हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बाइपोलर टी, द्विध्रुवता या दो ध्रुवता। तो उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे, और बेसिकली वो जो बाइपोलर टी है वो यूएसएसआर पे डिपेंडेंट कब बना, क्या क्या वहाँ पे इंसिडेंट या हैपनिंग्स हुई, और किस तरह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बस यही सारी प्रोसेस जो है वो इस टॉपिक के अंडर अपन पढ़ने वाले हैं। इससे जो जस्ट पिछले वाला या प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम क्या था, वो कब से स्टार्ट हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और किस तरह से फिर उसके अंदर जो लूप होल्स हैं या कमियां जो हैं, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो देखने को मिले, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो या प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम उससे आगे की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, आप सभी जो हैं वो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट। लास्ट में यदि आपको कोई कंप्लेंट हो, दिक्कत हो, तो कमेंट करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर अभी कर दीजिए। वेट किस बात कर रहा है। चलिए, तो कल हमने या पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सोवियत सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था एक रिवॉल्यूशन के थ्रू, सोशलिस्ट या सोशलिज्म की जो रिवॉल्यूशन थी उसके थ्रू स्टार्ट हुआ 1917 में स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ था कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद जो है, उसको अपोज करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और उसके अंदर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ 1945 में, उसके बाद से जो यूएसएसआर है उसकी जो इकोनॉमी है वो रैपिडली ग्रो की। केवल यूएस ही उससे आगे था इकोनॉमी वाइज, बाकी सभी देशों को, वर्ल्ड के सभी देशों को यूएसएसआर जो था उसने पीछे छोड़ दिया, और इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो की। उस ग्रोथ के साथ साथ उसने जो यूएसएसआर जो है उसने यूएस को मैच भी किया इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। जहाँ तक वेपन्स या मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था काम यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और समय समय पर उसने मैच भी किया यूएस को, यूएसएसआर में। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे वो यूएस से पिछड़ गया, बैकवर्ड रह गया, पीछे रह गया, लेग बिहाइंड रह गया। और वो सेक्टर्स कौन कौन से थे, पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उससे बाद में आगे की इंफॉर्मेशन या आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूएसएसआर जो है वो कुछ सेक्टर्स में या कुछ क्षेत्रों में यूएस से पीछे रहा, जैसे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के मामले में ईस्टर्न अलायंस जो है, मतलब यूएसएसआर जो है वो वेस्ट कंट्रीज से पीछे रह गया। वेस्टर्न अलायंस से या यूएस से या यूएस के जो अलाइड कंट्रीज थे जो वेस्ट में थे, उन सभी से ये टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह गया। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी है, इंडस्ट्रीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इन सब के अंदर वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे रह गया। और उसी के साथ साथ जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनकी जो एस्पायरेशंस थी या जो अपेक्षाएं थी गवर्नमेंट से या सोवियत सिस्टम से, उन एस्पायरेशन को या उन अपेक्षाओं को भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जब पूरा नहीं कर पा रहे थे तो इन द लेट 1970 के आखिर में आते आते वहाँ की जो इकोनॉमी है, यूएसएसआर की इकोनॉमी जो है वो फ्लेटर करने लगी, लटखड़ाने लगी, और लास्ट में मतलब इन द एंड ऑफ 1970 वो जर्जर हालत में आ गई। मतलब बहुत ही उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही वीक हो गई। तो ये सारा सिस्टम जो था वो सोवियत सिस्टम के लिए है। पिछले वीडियो का कुछ पार्ट, अभी जो मैंने बोला वो पूरा सोवियत सिस्टम जो था उसके जो फीचर्स हैं या उसके गुण जो है वो उसके बारे में था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट की तरफ, और वो होने वाला है गोरबचेव, जो कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के या सोवियत सिस्टम के, और फिर वो जो यूएसएसआर है 1991 में किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बारे में आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो है द डिसइंटीग्रेशन एंड गोरबचेव। डिसइंटीग्रेशन जो है वो कहलाता है विघटन, या इसको कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं बिखराव। यूएसएसआर जो था वो
जो रिपब्लिक्स थे, सोवियत रिपब्लिक्स, उनका एक ग्रुप था, और उस ग्रुप का विघटन कैसे हुआ, वो आपस में एक दूसरे से अलग क्यों हो गए, और गोर्बचेव कौन थे, उसकी उनकी क्या भूमिका थी, क्या रोल था, तो उसके बारे में ये हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होने वाला है। और इस इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन को पढ़े उससे पहले इन भाई साहब के बारे में जान लेते हैं, गोर्बचेव के बारे में। और मिखेल गोर्बचेव जो है वो 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के बने, और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोवियत यूनियन की थी, और 1985 में वो इस कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जो था इसके अंदर वन पार्टी सिस्टम है, ना कोई ओपोजिशन ना कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, केवल एक ही पार्टी का रूल या शासन चलता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में मिखेल गोर्बचेव। अब मिखेल गोर्बचेव का थोड़ा सा अपन उनका जो इंफॉर्मेशन है उनके बारे में वो पता लगाते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 मार्च 1931 में, 2 मार्च 1931 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु जो है वो हुई 30th of August 2022, मतलब प्रीवियस ईयर में। और जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी एज जो थी वो ऑलमोस्ट 91 ईयर्स। 2 मार्च 1931 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो है वो उनकी 30 अगस्त 2022 को, मतलब पिछले साल ही हुई, और मृत्यु के समय इनकी एज थी ऑलमोस्ट 91 ईयर्स। लंबी आयु तक जीने वाले व्यक्ति थे। 1990 में, 1990 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइज, शांति के लिए या पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1990 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इनका जन्म, ये इनकी मृत्यु। अब ये दो महत्वपूर्ण पदों पे रहे अपने जीवन काल में, और तो वैसे भी इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो काफी लंबा था, और टाइम टू टाइम ये अलग अलग पोस्ट पे रहे पॉलिटिकली, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं इनके जीवन में जो कि ये रहे। 11th of March 1985 को ये सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जनरल सेक्रेटरी बने, 11th मार्च 1985 को। कब तक रहे, 24th अगस्त 1991 तक, मतलब इसका जो डिसइंटीग्रेशन है 1991 में हुआ, तो जब वो ईयर था 1991 वहां तक ये जनरल सेक्रेटरी रहे कम्युनिस्ट पार्टी के, कौन, मिखेल गोर्बचेव। सेकंड जो इनकी पोस्ट थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ओनली प्रेसिडेंट थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे सोवियत यूनियन के, जो कब बने, ये 15th of March 1990 को। 1990 में इनको नोबेल प्राइज मिला, 1990 को ही ये ओनली प्रेसिडेंट बने सोवियत यूनियन के। और कितने दिन प्रेसिडेंट रहे, देखिए मार्च में ये 1990 के मार्च के हाफ में ये प्रेसिडेंट बने, और नेक्स्ट ईयर 1991 में दिसंबर, लगभग 1 साल और 6-7 महीने, 7-8 महीने ये प्रेसिडेंट रहे, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति सोवियत यूनियन के, मिखेल गोर्बचेव। तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं इनके जीवन काल में भी, लाइफ साइकिल में भी, ये इनका जन्म, ये मृत्यु, ये जनरल सेक्रेटरी कितने दिन रहे, कितना इनका कार्यकाल रहा, और वन एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन कब बने और कब तक रहे। ऑफिशियली 25th दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो तब तक ये प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के। तो ये है मिखेल गोर्बचेव, और इनका जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग हुई थी सोवियत यूनियन के, वो थी, ईयर था 1985, डेट थी 11th ऑफ मार्च। तो एक स्क्रीनशॉट, तो ये उस समय जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, जिस समय जो सिटीजन्स थे या जो नॉर्मल पीपल थे, क्योंकि उनकी जो एस्पायरेशंस, विशेष या इच्छाएं जो थी वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, फुलफिल नहीं कर पा रही थी रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट। तो उस समय जब डिससेटिस्फेक्शन चारों तरफ फैला हुआ था, जनता के अंदर असंतोष था, तब ये जनरल सेक्रेटरी बने इन द ईयर ऑफ 1985। और इन्होंने फिर रिफॉर्म्स की, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स या सुधार करने की कोशिश की। और पहला सुधार जो इनका था, जो पहला रिफॉर्म था, वो ये चाहते थे कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं जिनके साथ में अभी तक इनका कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता था यूएसएसआर का, उन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ये जो अपने रिलेशंस हैं या जो अपने इश्यूज हैं उनको नॉर्मलाइज करें, सामान्य बनाएं, क्योंकि इनको मतलब पता था कि बिना टेक्निक के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो ज़्यादा दिन तक वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर नहीं दे पाएंगे, और वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प की उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने देश के लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं, विशेज हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो इनका पहला जो रिफॉर्म था या पहली जो कोशिश थी वो यही थी कि वो अपने जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज करें, किसके साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में।
तो इस तरह से उन्होंने अपने रिफॉर्म्स की शुरुआत की, और जो इंटीग्रेशन जो हुआ उसकी जो डिससेटिस्फेक्शन था अपनी गवर्नमेंट के प्रति, वो उसी का परिणाम है कि लोगों के अंदर बहुत तीव्र असंतोष था, और वही असंतोष के कारण से यूएसएसआर जो है वो छोटे छोटे देशों में टूट गया था। और उस डिसइंटीग्रेशन को रोकने की इन्होंने अपने रिफॉर्म्स के जरिए कोशिश की थी कि वो सुधार यदि इंप्लीमेंट होते हैं तो फिर वो शायद डिसइंटीग्रेशन जो था वो रुक सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन अब वो रिफॉर्म्स किस क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, या किस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरा, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए मेरी मेरी थैंक्स। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।